अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल कश्मीर और मैं हूँ आपके साथ महविश। नाज़रीन, अगर फ़न और आर्ट की बात करें या कला की बात करें तो कश्मीर के लोग भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें या ऐसी कलाएं हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो कश्मीर है दुनिया भर में मशहूर है। अगर बात करें तहजीब या तमद्दुन की तो कश्मीर के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के भी अंदर भी ऐसी कुछ तहजीब और तमद्दुन है जिसकी वजह से जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वो पूरी दुनिया में माना जाता है। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं जिस चेयर पर हम बैठे हैं वो विलो की है। आप सब ने पुराने ज़माने में देखा होगा कि ये जो कुर्सी है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन अगर आज की बात करें, जितना ज़्यादा ज़माना मॉडर्न होता गया तो उतनी जो कदीम ज़माने की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। नाज़रीन, अभी भी हम हवाले से आपको दिखाएंगे कि ये जो शॉप है यहाँ पर विलो की, यहाँ पर ऐसी कई पुरानी चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो भी हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। अगर बात करें इन टोकरियों की तो ये वही टोकरियाँ हैं जो अभी भी शादियों में इस्तेमाल होती है। इनमें से मिठाई रखी जाती है तो ये वही टोकरियाँ हैं जो शादियों में इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है ऐसी चीज़ों की जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा ज़माना बदलता गया और जो पुरानी चीज़ें थी वो हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दी। नाज़रीन, अब इसी हवाले से आज हम यहाँ पर बात करेंगे इन लोगों से जो ये बनाते हैं और जानते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है और किस तरह से ये बनाई जाती है और क्या क्या चीज़ें इनमें इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, अगर बात करें विलो की तो हमने अभी आपसे बताया कि हम ऐसे यहाँ पर जो इनका काम करते हैं, जो ये बनाते हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे वेलकम है। मेरा नाम फयाज़ अहमद है, दरगाह हज़रत बल से मैं रहने वाला हूँ और मेरी वाबस्तगी विलो विकर से है जो मेरे दादा परदादा का काम है, उसी में मैं इस वक्त मुंसलिक हूँ, काम करता हूँ यहाँ पर और मेरे साथ और बहुत सारे साथी हैं जो ये काम करते हैं। सर, अगर बात करें विलो की, अगर पहले की बात करें, पहले ज़माने में ऐसी कई चीज़ें होती है जो आज के ज़माने में नहीं होती है या छूट गई है पीछे, तो क्या लगता है आपको कि आज भी लोग इस काम से ज़्यादा मुंसलिक है या इसको लेना पसंद करते हैं? देखिए, ये विलो विकर 100 साल पहले भी तो आज भी है। अगर नई यूथ की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल ही करना पड़ता है और जो भी इसमें लगे हैं, हम ये चाहते हैं अगर यूथ भी नया इसमें काम करे, ये बिल्कुल बढ़िया काम है और अच्छा इसमें आता है और बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं नए वो बिल्कुल घरों के लिए फ़ायदेमंद यूज़ होते हैं। अगर बात करें इस कानी की, ये जो कानी है आपको कितने में पड़ती है? और क्योंकि आजकल इसमें जो टोकरियां होती है वो खसूसन शादियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है मिठाइयों के लिए, तो कैसे होता है आपका इस चीज़ पे गुजारा? बिल्कुल, हमारा गुजारा बिल्कुल बढ़िया होता है। इसका रॉ मटेरियल जो आता है वो गांधरबल से आता है, उम्रहर से आता है और इसके 2-4 मीटर रॉ मटेरियल के साइज़ होते हैं जो इसमें आते हैं, लग जाते हैं। उसमें 500 आता है, 10 किलो का एक बंडल होता है, 40 किलो आता है, वो 4 बंडल एक मन के हिसाब से वो 40 किलो होता है। इसमें बहुत सारे 4-5 ऐसे हैं जो इसमें मटेरियल में लगते हैं। अगर बात करें स्किल की तो कहीं ना कहीं जो अभी आज गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कहीं से स्किल चीज़ें आ रही है जिससे हमारे कश्मीरी यूथ को एम्पावरमेंट मिल रहा है या एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, आप चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ स्किल कश्मीरी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी इंट्रोड्यूस करें ताकि जो हमारा नौजवान है उसको भी रोज़गार हासिल करने का मौका मिले? हाँ जी, वो तो है ही, गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ हाथ बटाए तो हमारा काम भी अच्छे तरीके से चले, आगे भी चले। नाज़रीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर
इन विलो मेकर से बात की, उनका भी क्या कहना है कि ये जो काम है इनका बहुत अच्छा जा रहा है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात करें पहले ज़माने की या आज के ज़माने की, कहीं ना कहीं जो आज के नौजवान हैं वो जो ये पुराने या कदीम किस्म के काम है वो अभी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसे कामों में ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त है। नाज़रीन, अब इनकी इंतज़ामिया से यही अपील है कि ये जो स्किल है, ये जो विलो मेकिंग का काम है, इसको भी थोड़ा बहुत बूस्ट मिलना चाहिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में या बाकी इंस्टीट्यूशंस में, इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि इनका काम भी बहुत अच्छा जाए। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे ग्लोबल कश्मीर के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।